सूरज और पवन में ये बहस हो गई कि हम दोनों में कौन बड़ा है। दोनों एक दूसरे से कहने लगे मेरा वेग बहुत ज्यादा है, मेरा असर बहुत ज्यादा है। दोनों में निर्णय नहीं हो सका कौन शक्तिशाली है। तो फिर ये तय हुआ चलते हुए व्यक्ति के कपड़े जो जल्दी से उतर वालेगा, सहज में उतर वालेगा, हम दोनों में वही शक्तिशाली होगा और बलवान होगा। दोनों ने सोचा भाई पहले कौन आया, टॉस करा, नंबर आया पवन का। पवन कहते हैं हवा को। पवन चला सनसन पहले उसकी थी बारी। हवा पता कितनी तेज चलती है, वैसे तो हवा बहुत अच्छी लगती है इधर, लेकिन क्या होता है जब हवा बहुत तेज होती है कपड़े उड़ जाते हैं, तूफान सा आ जाता है, टीन उड़ जाती है, पेड़ गिर जाते हैं, कहते ना आंधी आ गई तूफान आ गया। अब पहले चली हवा, इतनी तेज चली कि जो लोग चल रहे थे उनके कपड़े उड़ने लगे, जल्दी जल्दी वो कस रहे थे, लपेट रहे थे और भागते चले जा रहे थे, सोच रहे थे अब क्या करें, क्योंकि वो तो सारे कपड़े उड़ा के लिए जा रही थी हवा। जब हवा उनके कपड़े उड़ाने लगी तो वो बेचैन होने लगे और वो कस कस के लपेटते हुए चले गए, लेकिन कपड़े उतरवा नहीं पाए वो। पवन देव जो थे चले तो बहुत तेज लेकिन कपड़े उतरवा नहीं पाए, सहज नहीं उतरवा पाए। हारा पवन, अंत में सूरज ने गर्मी फैलाई, पवन हार गया और सूरज का नंबर आया। सूरज की जो धूप निकली इतनी तेज धूप निकली, पसीने आने लगे और वो जो चल रहा था व्यक्ति, वो पहले उसने अपना जो अभी तक लपेटता आ रहा था कस के, पहले उसने अपना दुपट्टा वो जो ऊपर से अंगोछा पहने हुए था जो ऊपर पहनते वो उतारा, फिर चलता जा रहा था, फिर बहुत गर्मी आई उसे, फिर उसने अपना कुर्ता उतारा, कुर्ता भी उतार दिया, फिर उसने अपनी बनियान भी उतार दी और ऐसे करके वो बहुत घबरा के और एक पेड़ की छाया में जाके ऐसे करके बैठ गए। तो इस तरह बहस खत्म हो गई हवा और सूरज की, कौन जीता, सूरज, क्योंकि सूरज ने बहुत जल्दी से सबके कपड़े, हाँ देखो सूरज जो होता है, सूरज की किरणों में, सूरज की रोशनी में, सूरज की धूप में ऐसे तत्व होते हैं जो कीटाणुओं को मार देते हैं। सूर्य हमें विटामिन डी देता है, क्या देता है, विटामिन डी देने से हड्डियां मजबूत होती हैं, बीमारी नहीं होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। और सूरज क्या करता है, जब बहुत दिन हो जाते हैं आपकी मम्मी दालें कपड़े धूप में डालते हैं कि सील रही हैं, दालें खराब हो रही हैं, धूप में डाल दो, जिस चीज में फफूंदी लग जाती है अगर सूरज ना निकले, धूप ना निकले, सीलन हो जाती है। तो सूरज बहुत बड़े देवता हैं, हमें रोशनी देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमें गर्मी देते हैं। जाड़ों के दिनों में जब बहुत ठंड होती है कैसे धूप में जाके बैठते हैं सब लोग, है नहीं? तो सूरज को हमें प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए, उनको जल देना चाहिए। सब बच्चे जब सूरज का आप दर्शन करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, जब सुबह को आप सूर्य का दर्शन करते हैं तो हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहिए, जय हो सूर्य देव। ऐसा करने से बच्चों की बुद्धि बहुत तेज होती है और उनको बीमारियां नहीं लगती हैं। तो ये कहानी हुई हवा और सूरज की, कैसी लगी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, थैंक यू।